नमस्ते दोस्तों, हम लोग रोज सबको घर दिखाते थे, आज हम लोग खुद अपने लिए देखने आए हैं। तो देखिए, हम लोग आए हैं, अंकल जी भी हैं, मधु भी हैं और रश्मि जी तो वहीं आगे जा रही हैं। अभी हम लोग सब लिफ्ट में आ गए हैं और अभी हम चलेंगे रूम की तरफ। दोस्तों, इसका ब्लॉग इस जो फ्लैट का है मैंने डाल रखा है अपने मेन चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक वगैरह मैं दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ये बाहर का व्यू है, सुंदर व्यू है। बालकनी वैसे इतना बड़ा है अभी, अगर आप चाहें तो बाद में फिर इसको यहाँ पे इतना यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा बेडरूम बड़ा हो जाएगा। बाहर का व्यू देख सकते हैं, कैसा लग रहा है? तो ये सब आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे चैनल पे, मेन चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। अभी तक हम लोग जो है सबको घर दिखाते थे, लेकिन आज हम लोग खुद अपने लिए देखने के लिए आए हैं। तो ये ब्लॉग जो है हमारा डेली ब्लॉग जो रहता है उस चैनल पे रहेगा। तो अभी हम दिखा सकते हैं, देखिए बेड वगैरह कितना अच्छा है। घर का जो है पूरा दोस्तों, इसका अगर पूरा आपको डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो आप जो है हमारे चैनल पे जाइएगा, शशिकांत द्विवेदी ब्लॉगर, वहाँ पे आपको इसको इसका ब्लॉग मिल जाएगा। इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको डाइनिंग टेबल बना सकते हो, स्टडी टेबल बना सकते हो इसको, और इसमें जो है हाँ इसके ऊपर आप बैठ करके मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, हमारा सारे काम कर सकते हो, मतलब अगर कोई नॉर्मल काम भी करना है आपको। और शॉपिंग भी कर सकते हो, किचन है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है, ये यहाँ पानी भी पैक कर रही है, किचन वगैरह में भी काफी स्पेस है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, मस्त आपको मोहर लगा तो देंगे। देखो यहाँ पे यहाँ छोटा सा फ्रिज भी रखा है, ये सब ऐसे करके देंगे ना ये लगा के देंगे, ये नहीं खाली ये प्लेटफॉर्म, अच्छा ये प्लेटफॉर्म बना के देंगे, ये लगा के देंगे, ये नहीं देंगे, अलग से एक्सेसरीज है, इसको अलग से लगाना पड़ेगा, इसको जैसा लगा चाहे जैसा भी आपको पसंद था वो लगा लो। ये तुम्हारे लिए तो एक फैमिली के लिए बढ़िया रहेगा, तुम भी ले सकती हो। मैं 1 के जो ऊपर असेंबल में लूंगी, मेरी एक शर्त है, मैं लूंगी इसी शर्त पे, सर से बात कर ले, मुझे ऐसे वाले दो फैन लगा के दो। कैसा लगा अंकल जी? बहुत बढ़िया कर रहा है। इतना इसका जो डेकोरेट इन्होंने किया है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है इस घर को। अगर आप भी इसको पसंद आता है तो आप लोग इसको ले। फर्निश्ड फ्लैट था, अभी हम आपको सिंपल दिखाते हैं खाली फ्लैट वो कैसा रहेगा, क्योंकि काफी आज बहुत सारे कॉल्स आए मुझे जो जिन्होंने मुझे बोला कि सर खाली फ्लैट दिखाइए सैंपल, तो वो वाला भी हम मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। आप लोग देख सकते हैं काफी इसका बड़ा स्पेस दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ सोफा वगैरह लगा नहीं है, जिसकी वजह से काफी बड़ा लग रहा होगा। और बाकी देख सकते हैं आप, कलर वगैरह काफी अच्छा है, इधर ये ऑरेंज कलर किया हुआ है, ऑरेंज जो है लाइट ग्रीन कलर है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। कैसा लगा भाई ये वाला घर? तो ये घर जो है ना खाली घर है, इसमें जो फर्नीचर था वो फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, जब भी आप खरीदोगे आपको ये खाली घर मिलेगा, फर्नीचर आप ही को खरीदना पड़ेगा, ये कहिए। हाँ, फर्नीचर खुद को जो है लगाना पड़ेगा जो भी रहेगा। किचन दिखा दीजिए, किचन में क्या है? काफी बड़ा है ये भी फ्लैट देख सकते हैं, और अभी बाहर का भी व्यू देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू है, बाहर बहुत बड़ा है। हाँ, पूरा खुला खुला सा रहेगा, इसके ऊपर ये अंकल जी स्टेज बनेगा, मतलब कभी कोई प्रोग्राम पार्टी आप करना चाहो तो यहाँ पे जो है खाना वाना जो भी है सब फ्री रहेगा सोसाइटी का, तो यहाँ पे कर सकते हो, इधर जो है इसलिए बनाया गया है। आगे जो है पार्क वगैरह भी रहेगा बच्चों के लिए खेलने वेलने का भी, इधर बनाया जाएगा यहाँ पे। कुल मिला के काफ़ी अच्छा घर है दोस्तों, अगर आप लोग को भी लेना है तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। अभी इसका लॉन्च पार्टी होगा, तो लॉन्च पार्टी में मैं आपको बताऊँगा, आप हमारे चैनल पर अगर बने रहेंगे तो इसका लॉन्चिंग डेट भी है अभी आने वाला है, तो उस दिन आप लोग आइएगा और प्रॉपर देखिएगा लॉन्च पार्टी। हाँ, यहाँ पे सेपरेट गेट लगा लो या आगे लगा लो, वहाँ पे दो लोग अगर ले कर सकते हैं। एक घर तो बुक करा लिया मैंने, दूसरा ये दूसरा है, देखा जा रहा है। अच्छा,
हम बहुत थक गए हैं। क्या व्यू है? जा रहे अभी उसका व्यू बहुत खूबसूरत है ना। इसमें काफी फैमिली रहने भी आ चुकी है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अपने पास केवल 150-140 फ्लैट्स ही अवेलेबल हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग। और इनका एक और प्रोजेक्ट है जो सामने दिख रहा होगा आपका, वो व्हाइट कलर का, वो उसका ब्लॉग्स भी बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, आपको जल्दी देखने को मिलेगा। करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग खरीदते हैं इस घर को और यहाँ पे फिर शाम के समय पे कुर्सियाँ डाल के बैठते हैं और चाय वगैरह, बहुत मज़ा आएगा आपको। हवा इतनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। अपनी फैमिली के साथ जरूर चाय पीना है यहाँ पे बैठ के, बड़ा मजा आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। लोनावाला जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर बारिश के समय पे तो यहाँ पे आपको लोनावाला ही फील होगा। आप लोग देख सकते हैं, रश्मि जी तो अभी भी इमेजिंग कर रही है कि वो शायद ये घर उन्हीं का है, और अभी चाय बना के लेके आएंगी तो हम लोग को देंगी। तो देखो सब लोग सपने देख रहे हैं, आई होप सब कि सबके सपने पूरे हों जल्दी से। पानी वगैरह बीएमसी का भी आ गया है, बहुत सारे लोगों को जो है पानी का बहुत दिक्कत होता है नए गांव में, इसलिए लोग घर नहीं खरीदते हैं कि उनको बीएमसी का पानी नहीं मिलता, लेकिन इस बिल्डिंग में पानी वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लिफ्ट का, आ रही है। और मधु भी परेशान है, इनको भी ये घर भाग गया है, अब शाम को पति से आज जाके डिस्कस करेंगे तो फिर लेना है कैसे क्या है वो भी जल्दी से डिसाइड करते हैं। चलो ये जल्दी जल्दी चलो रश्मि, अभी देख लेते हैं फिर। अरे नहीं छोटे हैं अभी, इनकी मम्मी उम्मी इनकी सब। अरे तो भूखे नहीं रहते होंगे यहाँ पे? नहीं वो आते, सब लोग देते हैं ना लाने के सामान वाला के देते हैं। चलो अभी फिर कल परसों आएंगे तो दूध ले आएंगे फिर। आओ इधर आगे तो देख ले। तो दोस्तों अभी हम लोग ने देख लिए हैं फ्लैट, सब हम लोग नीचे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे फिर क्या डिसाइड करते हैं। बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं रहती तो फिर बाहर का भी हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको लोकेशन। तो दोस्तों उस समय जो है काफ़ी बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो बारिश में जो है हम लोग फिर रुके नहीं सीधे, और फ़ोन वगैरह उस समय नहीं चला सकते थे क्योंकि हम लोग बाइक से गए थे, स्कूटी से गए थे। तो देखिए रश्मि जी भी बैठी है, अभी हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और घड़ी में आप लोग देख सकते हैं बज चुका है डेढ़ बज चुका है, और अब मैं करने बैठा हूँ एडिटिंग। अभी जो अपना डेली ब्लॉग डालते हैं प्रॉपर्टी ब्लॉग्स, तो उस चैनल पे जो ब्लॉग्स कल सुबह आएगा 8 बजे, उसका एडिटिंग मैं अभी कर रहा हूँ। और मुझे एडिटिंग करना, अपलोड करना, ये सब में कभी अभी कम से कम मुझे 4 बज जाएगा ये सब करते करते, तो मैं 4-4:30 बजे फिर लेटूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मैं सुबह 4-5 बजे सोता हूँ, और सुबह आप लोग जब फ़ोन करते हो सुबह 8-9 बजे, बहुत सारे बंदे तो 5 बजे भी फ़ोन करने लगते हैं, जैसे मैं सोता हूँ ना 5 मिनट बाद फ़ोन मेरा बजने लगता है, तो फिर उस समय मुझे साइलेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, अब सो जाएंगे। और चूँकि रास्ते में कुछ हम लोग खास दिखा नहीं पाए, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फ़ोन वगैरह सब डिग्गी में रख दिया था गाड़ी के, तो वहाँ से सीधे घर आए, और घर पे हम लोग थोड़ा भीग गए थे तो बस उसी में लग गए, और काफ़ी और भी काम थे उनको ख़त्म किया। इसके बाद में अब जो है खाना वाना खा के अब हम लोग जो है बैठे हैं एडिटिंग करेंगे, अभी एडिटिंग करके इस वीडियो को अपलोड करके फिर मैं सोऊंगा। और रश्मि जी भी अभी बस थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट अपना मोबाइल में कुछ चेक कर रही हैं, देख रही हैं, अभी सो जाएंगी ये भी, ये थोड़ा जल्दी सो जाएंगी और मैं सोऊंगा 4 बजे। और हमारी कैट भी देखिए, ये हमारे साथ जागती रहती है छन। तो ये दोस्तों हैं हमारी कैट, इसको हमने एक दो बार आपको दिखाया भी है ब्लॉग में, और ये भी हमारे साथ ही सोती है, देख सकते हैं आप लोग, है ना बाबू? हाँ देखो, हाँ बोल भी रही है। तो ये भी अभी सोएगी हमारे साथ में ही, इसलिए रात को इसको खोल देते हैं और दिन में हम लोग इसको बांध के रखते हैं। किसी दिन इसका मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत प्यारी है और बहुत नटखट बिल्ला है, मतलब जेंट से ये। इसका कई सारे नाम है, इसके छन नाम है, और इसको हम लोग जो है मऊआ भी मऊआ बुलाते हैं, और क्या बाबू? हाँ बोल, हाँ पैर करो, हाँ प्यार करो, क्या हुआ है? सबको टाटा करो, चलो टाटा। देखो दोस्तों छन भी टाटा कर रही है। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ,